जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 5 दिसंबर दिन जो है वो सोमवार है और आज का राशिफल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या करने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारी मेष राशि। मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, अचानक पैसा आज आपके पास आ सकता है जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। पढ़ाई में मन कम होने से आपके बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं। अपने प्रिय के साथ आज आपका बर्ताव है वो अच्छा रखें, नहीं तो नाराजगी जो है वो आपको मिल सकती है। सड़क पर अनियंत्रित होकर गाड़ी ना चलाएं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। आज अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ अनहोनी की आशंका जो है वो नज़र आ रही है। आज का जो उपाय है वो ये है कि गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करने से आज आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आप अपने काम के प्रति थोड़ा सा सक्रिय रहेंगे। कई दिनों से रुके हुए कार्य आज आप पूरा करने से राहत की सांस ले पाएंगे। ज़रूरतमंद की मदद के लिए हर संभव आज आप प्रयास करेंगे। आपका सकारात्मक व्यवहार लोगों को आज आप प्रभावित कर सकते हैं। ऑफिस के काम से जुड़ी कोई भागदौड़ जो है वो आज आपको सफलता दिला सकती है। साथ ही साथ अपना करियर अगर बना रहे हैं तो आपको कार्य जो है वो करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप कार्य करते रहेंगे तो सफलता जो है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। आज का जो उपाय है वो ये है कि गणपति भगवान को दुर्भा अर्पित करने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं, आज अपने मूड के बदलाव को थोड़ा सा आप महसूस करेंगे और इस कारण से आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में किसी के साथ आज अनबन हो सकती है, आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। आने वाले 3 दिनों में आपको कोई शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समझदारी के साथ करें, साथ ही साथ थोड़ा सा धैर्य जो है वो बनाकर रखें। आपके लिए कुछ कार्य जो है वो शुभ साबित होंगे, उसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होने वाली है, इसलिए आपको धैर्य जो है वो बनाकर रखना है। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको शहद का दान करने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, साथ ही साथ आपके जो बिगड़े कार्य हैं वो भी बन जाएंगे। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको तनाव जो है तनाव को आज आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज आपकी परेशानी अगर आप जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। आज आप पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते आप अपनी बचत को पारंपरिक तरीके से निवेश करें। आपको अपने घर के माहौल को कुछ बदलाव करने में सबकी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन से अपने फैसले किसी के ऊपर नहीं थोपने चाहिए, नहीं तो घर का माहौल जो है वो अशांत हो सकता है। किसी प्रिय का फ़ोन आने से आज आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको गाय को रोटी खिलाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर का कोई सामान आज आप खरीद सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जिससे घर के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी का भला करना आज आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अच्छाई केवल उनके साथ करें जो अच्छे हैं। किसी के साथ भी अच्छाई अगर आप करते हैं तो आज आपको महंगा पड़ सकता है। किसी के साथ कुछ भी करने से पहले, कुछ अच्छा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। आज का जो उपाय है वो ये है, आज आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, आज किया गया कोई भी निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपके लिए समृद्धि लेकर आ सकता है। गलत संगति या गलत जो आपके दोस्तों का याराना है ना, उससे आपको दूर रहना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए।
नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज अपने आप को गुस्से पर पूरे तरीके से काबू रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका गुस्सा आपके घर का माहौल जो है वो बदल सकता है। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है आने वाले समय में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खास साबित हो सकता है। किसी के ऊपर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। अगले जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जिससे आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके बीच में आपको आय के नए स्रोत जो हैं वो मिल सकते हैं। घर में वाद विवाद हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ, आज आप थोड़ी सी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर सकते हैं। आज का जो उपाय है वो ये है कि पक्षियों को दाना देने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपका दिन जो है वो यात्रा में व्यतीत होगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जीवन में, आज आपको लोगों का सहयोग मिल सकता है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत से आगे बढ़ने पर आपको सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। दोस्तों से सहयोग आपको मिल सकता है जिससे आज आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको किसी भी मंदिर में जो प्रसाद है वो जरूर वितरित करना चाहिए। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपको लाभ के नए अवसर प्राप्त करवा सकता है। दफ्तर में आपको कोई आकर्षित कर सकता है, अगर आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर फैसला लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। किसी का सहयोग अगर मिल रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति विरोध भी कर सकता है जिससे आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार में आज आप जो है वो थोड़े से कटे नज़र आएंगे। घर का वातावरण आज बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसके लिए आपको अपना जो व्यवहार है, अपना जो तालमेल है वो सही से बैठाने की आवश्यकता है, नहीं तो घर का माहौल जो है वो खराब ही रहेगा। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन घृणा की भावना आपको महंगी पड़ सकती है। अगर आप आज किसी के साथ जो नफरत है वो कर रहे हैं या किसी से नाराज़गी अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपनी जो भी आपका सहन शक्ति है उसको आज आप थोड़ा सा ऊपर रखें, क्योंकि किसी के कुछ कहे जाने से आज आप दुखी हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने विवेक से काम लें। रिश्तों में हमेशा किसी ना किसी वजह से अगर आप दरार डाल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है। यदि आपने खुलकर पैसे खर्च किए हैं तो बाद में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको सोचना अवश्य रूप से चाहिए, नहीं तो आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। आज का जो उपाय है वो ये है कि तुलसी की पूजा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, आज अपना दायरा बढ़ाने के लिए हर संभव आज आपको प्रयास जो है वो करना चाहिए। काम में संतुलन बनाकर रखें, आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। कारोबार के विस्तार में किसी मित्र की मदद मिल सकती है। रचनात्मक तरीके से अगर कोई कार्य करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा। आप उच्च शिक्षा और शोध कार्य के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। संपत्ति का विस्तार होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मायनों में अच्छा रहने वाला है। दंपत्य जीवन में मधुरता आएगी
और साथ ही साथ अच्छी सोच आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, किसी अच्छे कार्य को करने में मदद दिलवा सकती है जिससे आपकी उन्नति हो सकती है। आज का जो उपाय है वो ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए किसी तरीके का एक संजीवनी बूटी का कार्य जो है वो कर सकता है, इसलिए आपको घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें और उनसे मीठे बोल जो हैं वो बोलने चाहिए, जिनसे आपका मन और आपका शरीर दोनों आपका साथ देंगे। तो ये रही आपकी राशियाँ और ये रहे उपाय। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्याएं चल रही हैं तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए और अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।